विश्व प्रसिद्ध फैशन मैगजीन वोग में बॉलीवुड अभिनेत्रियों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर किसी अभिनेत्री की नहीं बल्कि धार के मांडू में रहने वाली सीता दीदी की तस्वीर छपी है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप, जो फोटो फॉरेन में छपा है? हाँ, इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है हमको, क्योंकि हम गांव से हैं ना, इसलिए फैशन पत्रिका सबसे बड़ी उसमें छपा है। हाँ, वो बताया था मैडम ने और देखा भी है हमने पेपर में। क्या कहना चाहेंगे आप, खुशी कैसे जाहिर करेंगे आप? ज्यादा तो कुछ भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि हमारा समूह बहुत अच्छा है, चलना चाहिए आगे। सभी महिलाएं मतलब कुछ भी नहीं करती थी, घर पे ही बैठे थे, तो कुछ रोजगार भी नहीं था, तो ये काम मिला है तो इससे तो बहुत अच्छा लग रहा है। काम करते हैं तो भी अच्छा लगता है हमको। मांडू में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दाबू प्रिंट से बनी साड़ियां तैयार करती हैं। इसी में से एक हैं सीता दीदी। सीता दीदी की तस्वीर इटली की फैशन मैगजीन वोग पत्रिका में शामिल हुई। इस तस्वीर में दाबू प्रिंट की साड़ी पहने समूह की सीता दीदी का रानी रूपमती महल में खींचा गया फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपा है। धार जिले की बाग प्रिंट के बाद दाबू प्रिंट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये साड़ियां समूह की महिलाओं ने तैयार की है। इसमें लोकल महेश्वरी, चंदेरी और कॉटन के कपड़े का प्रयोग किया गया है। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मांडू के 56 महल स्थित आजीविका मिशन कार्यालय में एक महीने में मांडू के आसपास की महिलाएं अपने हाथों से साड़ी, कुर्ते, दुपट्टा, चादर तैयार कर रही हैं। हमें कल्पना नहीं थी कि उनकी ब्रांडिंग हम केवल इसलिए कर रहे थे कि वो बच्चियां खुद तैयार करें, और चूँकि आदिवासी वेशभूषा में और हमारा लोकल टच रहेगा तो उनको अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। लेकिन संजोग से जो वर्ल्ड लेवल की फोटोग्राफर थी, जिनको हम लोगों ने यहाँ कॉल किया था, हमारी एडीएम सलोनी से लटाना की, वो मित्र भी हैं अदिति गुप्ता, उन्होंने जब डिजिटल फोरम पे इसको डाला तो जो इटली और फैशन एक दूसरे का पर्याय है और वहाँ की जो वोग मैगज़ीन है उसमें एक बच्ची की फ़ोटो, जो सीता वसुनिया हैं, जो उस ग्रुप की धारा ग्रुप की मेंबर हैं, अब वो उसके फ्रंट पेज के लिए सेलेक्ट किया गया। निश्चित रूप से जिले के लिए और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दाबू प्रिंट की कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए 3 गांवों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ दिन पहले मांडू के महलों में दिल्ली के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर अदिति गुप्ता, जो धार एडीएम सलोनी सिडाना की मित्र हैं, उन्होंने यहां बनने वाली साड़ी, कुर्ती, दुपट्टे की फोटो खींची। यही फोटो आज प्रसिद्ध वोग मैगजीन के फ्रंट पेज पर छापी गई है। ये साड़ियां कोई इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन फोटो कोई और पहना कर क्यों खींचे? यही अगर फोटो खींचे, अगर इन्हीं की ही फोटो खींची जाए तो शायद वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। उस टाइम पे मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा रिस्की कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मार्केट में सेलेबल वैल्यू जनरली मॉडल फेसेस की ज़्यादा होती है। कलेक्टर ने प्रशंसा करते हुए बताया कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बाग प्रिंट का चयन किया गया था। उनके द्वारा बनाई गई साड़ियों की वह खुद ब्रांडिंग कर रही हैं। हम चाहते थे कि आजीविका मिशन के द्वारा इन्हें रोजगार मिले, लेकिन अब इनकी ब्रांडिंग और अच्छे तरीके से हो पाएगी। कलेक्टर ने कहा कि उनके निर्मितीकरण केंद्र को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही उन्हें देश विदेश से ऑर्डर मिले इसके लिए शुभकामनाएं दी। मेरी शुभकामनाएं हैं उस ग्रुप के साथ, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उन ग्रुप को अब देश विदेश से हर जगह से ऑर्डर मिले। उनका जो निर्मिति केंद्र है उसको हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे साल भर लगातार उत्पादन होते रहे, उनके प्रोडक्ट्स पूरे न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी जाएं। इटली के प्रसिद्ध मैगजीन वोग पर धार जिले की आदिवासी सीता दीदी की फोटो फ्रंट पेज पर छपी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों ने इसकी प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।